तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग का जो A52s वाला मॉडल है दोस्तों, उसके अंदर एक नया अपडेट आया है, या फिर बोल सकते हैं दिसंबर की सिक्योरिटी अपडेट ये रोल आउट हो चुकी है। कितने MB का अपडेट है, अपडेट के बाद क्या होने वाला है आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं उसके नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपको जाना है यहाँ पर सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर आपको डाउनलोड इंस्टॉल पे चले जाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अपडेट जो कि आया है आज ही के दिन, इस अपडेट को रोल आउट किया गया है। इसमें मेन चीज क्या की गई, डिवाइस की प्रोटेक्ट विद इम्प्रूव सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया गया है। साथ में इसके अंदर डिवाइस की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है, जो भी बक्सेस थे उसको फिक्स आउट किया गया है, और कुछ न्यू एंड एनहांस फीचर किए गए। साथ में आप देखेंगे इसमें क्या गया है, फर्दर इम्प्रूवमेंट किया गया है। ओवरऑल नीचे की तरफ आएंगे, इसका अपडेट साइज है 228 MB का, जो इसमें आपको दिख रहा होगा सिक्योरिटी पैच लेवल 1 दिसंबर 2022 की रोल आउट कर दी गई है। अब इसको कर लेते हैं डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद बताता हूँ उसमें क्या क्या नए नए चेंजेस किए गए हैं। तो फाइनली दोस्तों ये हो चुका है अपडेट। जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो आपको एक ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इस नोटिफिकेशन पे लिखा हुआ है योर फोन हैज बीन अपडेटेड, और वर्जन नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे ये हट जाएगा। यहाँ पर जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ जाना है आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे, अबाउट फोन में। अबाउट फोन में जाने के बाद जाना है आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे, और यहाँ पर आप देखेंगे 1UI 5.0 अपडेटेड है। और नीचे की तरफ आएंगे तो आप देख रहे होंगे सिक्योरिटी पेज आपको 1 दिसंबर 2022 का मिल रहा है, जो कि अभी लेटेस्ट अपडेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप क्लिक करके देखेंगे इस अपडेट में क्या दिया गया है, इस अपडेट में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट सिक्योरिटी अपडेट दी गई है और कुछ इनहांस नए फीचर किए गए। तो जब भी कोई नया अपडेट आता है, मेरा पर्सनल रिकमेंड रहता है कि आपको उसको अपडेट जरूर करना चाहिए। तो यहाँ खुल जाएगा। यहाँ खुलने के बाद आपको जाना है यहाँ सैमसंग वाले ऑप्शन पे। यहाँ सैमसंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे या बोलेंगे सैमसंग वाले पे क्लिक करेंगे तो सैमसंग से रिलेटेड जितने भी फोन होंगे वो मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर दिसंबर आ जाएगा। नीचे की तरफ देखेंगे तो इसमें क्या किया गया है, नीचे आपको मिल जाएगा इस अपडेट में क्या क्या दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस अपडेट्स में आपको यहाँ पर सैमसंग मोबाइल मेंटेनेंस सिक्योरिटी, ये मेंटेनेंस के लिए दिया गया और सिक्योरिटी अपडेट दिया गया है। इसमें ज़्यादा कुछ क्रिटिकल्स नहीं थे, तो यहाँ पर सिर्फ मेनली आपको अपडेट दिया गया सिक्योरिटी का, ये यहाँ पर आपको मिल भी जाएगा। और पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको एक एक डिटेल यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो और इसके बाद अगर मैं बैक आऊँ, आपको ले जाऊँ सेटिंग पे, यहाँ पर आया। यहाँ बैक आने के बाद आप देखेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट में और लास्ट अपडेट में देखेंगे तो यहाँ पर क्या किया गया था, डिवाइस सिक्योरिटी अपडेट की गई जैसा हो गया है। कुछ बक्सेस फेस किए गए, जैसे कुछ बक्सेस थे और इसमें कुछ जो भी बक्सेस थे लेके चलने में, या फिर आपका हैंगिंग में, लैगिंग में, जो भी हो हीटिंग का, ये सब बक्सेस यहाँ पर फिक्स आउट करे हो सकते हैं। बाकी चलने में तो मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आप देख रहे होंगे इजीली यहाँ पर वर्क कर रहा है, और यहाँ पर अगर आप यहाँ खोल के भी देखेंगे तो ये कितना मस्त यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, स्मूथनेस में वर्क कर रहा है। फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक आध दो दिन में इसका एक और रिव्यू वीडियो डालूंगा जिसमें बताऊंगा कि इस अपडेट में एक्चुअल में कौन कौन से बग्स फिक्सेस किए गए या नहीं फिक्सेस किए गए। इसमें जो भी कुछ बग्सेस होंगे उसको यहाँ पर सॉर्ट आउट कर दिया गया होगा। हीटिंग का इशू तो अभी नहीं है, बैटरी इसके बाद पता चलेगा। लेटेस्ट अभी जैसे अपडेट कराया बैटरी का, इसके बाद पता चलेगा कि बैटरी इसके बाद अच्छी हुई या नहीं हुई है। ओवरऑल मेरा जो पर्सनल है कि आपको इसको अपडेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई नया अपडेट आता है तो उसमें कुछ ना कुछ आपको सिक्योरिटी फीचर्स मिले जाते हैं। तो ओवरऑल ये अपडेट्स मेरे लिए हिसाब से तो बेस्ट है, आपको उसको करना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें वीडियो कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना ना भूले। तो थैंक यू दोस्तों।